हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप साहब? तो आज नेक्स्ट स्टेप की वीडियो, स्टेप टू वीडियो लेकर आया हूँ। प्लान एडिट चेक है मेरे पास। तो वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो इसको फुल ट्रेन करेंगे, फ्री फ्लाई ट्रेन करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज की जो वीडियो है सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरह ट्रेन करना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि आपने इसको अपनी विसल पे लाना है। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं विसल बजाऊंगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि आपने चने के दाल है जो उसके 4 से 5 दाने जो मैंने आपको बताए हैं वो ले लेने हैं, और अपने पैरेट को आपने थोड़ा दूर रखना है। इस तरह आपने रखना है और चने की दाल ले लेनी है और उसको प्रेस करना है थोड़ा सा, और देखें पैरेट मेरा कैसे आ रहा है भी बगैर विसल के। वैसे आपने इसको रख के और विसल बजानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ट्रेन हो चुका है, खुद से ही आ जाता है पीछे पीछे। और चने की दाल दे देनी है इसको इनाम के तौर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाग के आ रहा है, आपने अच्छे से चने की दाल को प्रेस करके फिर देना है इसको। इस तरह आपने दोबारा इसको रखना है उधर नीचे। ये फर्श जो है थोड़ा स्लिपरी सा है, इसलिए ये स्लिप हो रहा है। इस तरह आपने दोबारा इसको दे देना है नेक्स्ट दाना। ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, इसको आपने 2 से 3 दिन जब भी आपने फीड करानी है इसको बुला लेना आपने इस तरह, और लाजमी ये स्टेप करना है आपने। और सीरीलैक जो है ये मैंने बना कर रखा हुआ है, ये सिरिंज में भर के बाद में लूँगा, पहले चने की दाल जो है ये दे लो। चलें जी, दाल को वॉश करते हैं और आप सिरिंज जल्दी से भर लेता हूँ। आपने चेक कर लेना ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ी सी गर्म हो, ठंडी भी ना हो और थिक ना हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा पतली हो, दरमियानी सी आपने गाढ़ी रखनी है। जैसा कि सिरिंज भर चुकी है और इसको दोबारा उधर रखता हूँ। और आपने धीरे धीरे हल्के से पीछे से प्रेस करते जाना। थोड़ी देने के बाद आपने दोबारा इसको पीछे रख लेना, फिर बुला लेना। स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे, ये 2-3 दिन अब ये प्रैक्टिस करानी है आपने, क्योंकि अभी काफ़ी छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसको जंप भी करवाएंगे, अभी छोटा है, तकरीबन 1 हफ्ता लग जाएगा इसको थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि फिर जंप लेने के लिए इसके पास पार वगैरह निकल आएंगे।
इसी तरह आपने ये स्टेप बार बार दोहरा लेना। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।